नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ गोल ब्लैडर स्टोन। अगर पित्त की थैली में अगर पथरी हो तो उसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसे कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपके हाथ में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका लिवर का है। ये देखिए, ये आपके हाथ का जो ये पूरा लिवर है, और लिवर में ही ये गोल ब्लैडर है। यहाँ पे इस पॉइंट को आपको जिम्मी से, किसी पेन से, अगर जिम्मी नहीं हो तो पेन ले लीजिए, पेन से दबाइए, दोनों को घुमा घुमा के देखिए, ऐसे ऐसे करके इसको, ये इसको दबाइए पॉइंट को। 2 मिनट दबाने के बाद इस पे ग्रीन कलर का इस्तेमाल कीजिए। ग्रीन कलर इस्तेमाल करने के बाद मटर का दाना का अप्लाई कीजिए। जब आप इसे मटर का दाना अप्लाई करेंगे, ये मटर का दाना है, ये अप्लाई कीजिए, इतना कीजिए। इसके अलावा आपके हाथों में यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये आपका गोल ब्लैडर का पॉइंट है, और यहाँ पे जो पॉइंट है, ये आपका गोल ब्लैडर का पॉइंट है, ये आपके हर एक उंगली में है दोस्तों, ये और यहां पे इस जगह पे और इस जगह पे। तो दोस्तों, इसके अलावा आपको क्या करना है कि इस पॉइंट को दबाना है 2 मिनट, 1 मिनट, 10 10 20 20 और 25 25 बार इसे भी दबाना है। 10 10 20 20 बार इसे भी दबाइए, इसे भी दबाइए, और इस सारे पॉइंट्स को दबाइए घुमाते हुए, इस सारे पॉइंट्स को दबाइए घुमाते हुए, इस सारे पॉइंट्स को घुमाते हुए दबाइए, ये सारे पॉइंट्स को घुमाते हुए दबाइए। इसे दबाने के बाद दोस्तों, इस सारे पॉइंट्स को दबाइए 1 मिनट 2 मिनट, जितना आपके पास टाइम हो। और मूंग का दाना, ये मूंग का दाना इसके ऊपर में अप्लाई कीजिए, इस सब पे कर सकते हैं, और इस पे भी कर सकते हैं, एक पे भी कर सकते हैं और सब पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो एक दिन आप इस हाथ में ट्रीटमेंट लेना है, और एक दिन आपको इस हाथ में ट्रीटमेंट लेना है, ये दोनों चीजें आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है दोस्तों, दोस्तों यहां से यहां तक का जो ये पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है, मैं पॉइंट बता रहा हूं, कलर नहीं लगाना है यहां पे, ये सी यहां पे जो ये पॉइंट है यहां, और ये यहां पे और यहां पे, इस जगह पे भी, दो जगह पे आप पॉइंट दबा सकते हैं। सिर्फ मसाज कीजिए अच्छे से इस दोनों तीनों जगह पे। मसाज करने के बाद अच्छे से ये तीनों जगह पे मसाज कीजिए। मैंने सिर्फ कलर लगाना नहीं है यहां पे मसाज करना है, बाकी या ये सारी जगहों पे आपको कलर लगा के मूंग का दाना सब पे अप्लाई कर सकते हैं, एक पे भी कर सकते हैं। तो ये करके देखिए, और एक काम कर सकते हैं, अगर आपको अगर व्यक्ति का प्रेशर चाहिए, वो प्रेशर दे सकते हैं, पुश कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर इतना करके इसे बीच बीच में ऐसे ऐसे करके पुश करते रहें। तो गोल ब्लैडर स्टोन जो है दोस्तों, इससे आपका जो गोल ब्लैडर स्टोन है वो बाहर आ जाएगा, आपको किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ टाइम जा सकता है, कुछ समय जा सकता है, धीरे 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 दर्द जो है आपका वो खत्म होने लगेगा। तो आपको ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना है, यहाँ बटाना करना है, और यहाँ मूंग का करना है। तो आपको देखिएगा, सबसे ज्यादा अगर आप सीरियस हैं तो सबसे ज्यादा देखिए कि दर्द का पॉइंट कौन सा है। तो जो दर्द का पॉइंट हो उसी जगह पे मूंग का दाना लगाना है, यहां तो कॉमन है लगाना ही है। और सेम ये चीजें इस हाथ में, यहां पे इस हाथों में भी आप गोल ब्लैडर, यहां से ऐसे करके ये लाइन यहां से ये खींचते हैं, यहां का जो पॉइंट आता है, देखिए ये लाइन यहां से आपने यहां पे ये जो पॉइंट पॉइंट आया, ये यहां पे इस उंगली को ऐसे करके ले आएंगे, यहां जो पॉइंट है ये आपका गोल ब्लैडर का पॉइंट है। इस पॉइंट को भी आप पॉइंट दबा सकते हैं इस हाथों में,
और ये सारे पॉइंट्स को भी आप दबा सकते हैं। तो दोस्तों ये आप कीजिए, इससे आपके गोल ब्लैडर स्टोन में काफ़ी आराम मिलेगा। आप देखिएगा फर्स्ट डे से ही आपको आराम मिलना स्टार्ट होगा और एक समय ऐसा आएगा कि स्टोन रहेगा ही नहीं। तो मैंने बहुत लोगों को बताया है, बहुत लोगों ने किया भी है, रिजल्ट भी मिला है। तो मेरे दोस्तों आप भी कीजिए, और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, नहीं पसंद आए डिसलाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए दोनों में, चाहे पसंद आए या ना आए, और अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।